जयंती खान गरीबों में छठवर गुरुवार से श्रीमद भागवत कथा का आयोजन श्री नयन कृष्ण शास्त्री जी महाराज के द्वारा किया गया था। विगत एक हफ्ते तक हमने उनके मुखार बिंद से अमृत ज्ञान प्राप्त किया और हम सभी लोग कृतार्थ हुए और आज यज्ञ समापन हुआ और हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री सुरेंद्र कुमार दुबी जी इसकी पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में हम इसमें यज्ञ में शामिल हुए और आशीर्वाद प्राप्त हुए। हाँ जी भैया बोलो। जल न बरसा होने के कारण यह श्रीमद भागवत का आयोजन किया गया है पंडित नरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के मुखारविंद से। वह कार्यक्रम अनेक अनेक किए जबलपुर संस्कार धानी में पहली बार किया गया जिससे जल दृष्टि की बारिश हो चुकी है और श्रीमद भागवत कथा के आयोजन से यह कार्य संपूर्ण हो चुका है। आज हवन का कार्य पूर्ण संपूर्ण होगी। भक्त से ब्राह्मण भोजन कन्या भोजन के माध्यम से यह हमारे गुरु जी नरेंद्र कृष्ण शास्त्री के मुखारविंद से पांडरीवा मकरवाहिनी मंदिर से कार्यक्रम किया गया। इस उद्देश्य के लिए सफल हुई है। महाराज जी की शांति सब लोगों को जितनी शांति की प्राप्ति हुई है। कितने दिन का आयोजन था? 7 दिन का आयोजन। कौन कौन से आयोजन किए गए इसमें? और यहाँ मान्यता है कि महाराज जी के आयोजन से लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई है और जी और वर्षा नहीं हो रही थी, वर्षा होने लगी जी। कहाँ पर यह आयोजन किया गया? आपका नाम? राजीव कुमार। और 20 तारीख तक का अनुष्ठान हमने रखा जिससे ये भीषण गर्मी की शांति एकांत और वृक्ष हम कम होने के कारण जल की दृष्टि न होने के कारण आदि शक्ति राजराजेश्वरी माँ मकरवाहिनी माँ नर्मदा जी से प्रार्थना एकांत चरणों में हमने श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ विश्व कल्याण जल वृष्टि एकांत गौरक्षा एकांत जल वृष्टि के कारण भगवती के यहाँ चरणों में हमने आयोजन किया और वह नित्य जलवृष्टि भगवती करती हुई आज कथा का अष्टम दिवस यज्ञ का समापन और समस्त हमारे धर्मराज दुबे समस्त माँ मकरवाहिनी परिवार दुबे परिवार और आचार परिषदों के साथ आचार जबलपुर आचार सभा के माध्यम और यज्ञ करने से भगवान के लिए
मीडिया से ले रही है।